रोमन रेंस लड़ना चाहते हैं जॉन सिना से, विंस मैकमैन ने दी बैकी लिंच को बधाई, रोंडा राउजी ने अपने रिटर्न पर क्या कहा, साथ ही साथ एमवीपी हो गए रिटायर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं धमाकेदार न्यूज के साथ। तो गाइस वो जुड़ी हुई है बैकी लिंच से। तो बैकी लिंच का आज जन्मदिन है, जिस पर दोस्तों हम बैकी लिंच को कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे। वहीं दोस्तों बात की जाए बर्थडे की, तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दोस्तों बैकी लिंच को हैप्पी बर्थडे कहकर हंगामा मचा दिया है, वो कि और नहीं दोस्तों वो है विंसेंट कैनेडी मैकमहन। तो विंस मैकमहन ने बैकी लिंच को कर दिया है विश, और ये काफी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो चीज कही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों विंस मैकमहन ने आज ट्विटर के ऊपर बैकी लिंच को किया है विश, और उसमें उन्होंने ये चीज लिखी है, शी इज डन इट ऑल, फिर भी उसे अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। यहाँ दोस्तों विंस मैकमैन का कहना यह है कि बैकी लिंच ने WWE में वो सब पा लिया है जिसे पाने के लिए कोई WWE के अंदर आता है, लेकिन अभी तो सिर्फ उनकी शुरुआत है, देखना है आगे क्या उनके मुकाम रहते हैं। तो अगर दोस्तों WWE का मालिक ऐसा कह रहा है तो साफ सी बात है कि विंस मैकमैन उन्हें जो पुश दिए हैं वो लंबा चलने वाला है, और दोस्तों बैकी लिंच जो अभी सुपरस्टार है वो उससे भी बड़ी सुपरस्टार बनेगी। विंस मैकमैन दोस्तों बहुत कम सुपरस्टार्स को बर्थडे विश करते हैं, और बैकी लिंच को विश करके उन्होंने साबित कर दिया कि बैकी लिंच उन्हें काफी ज्यादा प्रिय है, काफी ज्यादा पसंद है। पर गाइस अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एमवीपी से। तो एमवीपी को हमने लास्ट रॉ में देखा था जहां वो कम्पीट किए थे, वहां दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि शायद एमवीपी भी WWE के साथ कोई डील कर लिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। दरअसल एमवीपी ने दोस्तों वहां क्रिएटिव टीम को ये चीज कही कि उन्हें मैच लड़ना है और ये मैच उनका आखिरी मैच होगा। एमवीपी ने दोस्तों ट्विटर के ऊपर सभी को सूचना देते हुए ये चीज बताई है कल कि अब वो रेसल नहीं करने वाले हैं, और रे मिस्टीरियो के साथ जो इनका मैच हमने देखा है यानी कि मंडे नाइट रॉ का जो मैच हमने देखा है वो उनका आखिरी मैच रहने वाला है। तो एक बड़े शौक के जैसे ये खबर मिली है। एमवीपी दोस्तों आपको आगे जाकर अपीयरेंस देते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन अब वो कभी फाइट नहीं करने वाले। इसी के एवज में दोस्तों रे मिस्टीरियो ने उनका रिप्लाई भी किया और ये चीज कही कि एमवीपी के साथ उनका आखिरी मैच लड़ना एक सौभाग्य की बात है। एमवीपी काफी बढ़िया रेसलर थे और ऐसे में वो उन्हें एक ही चीज कहना चाहेंगे, थैंक यू, और हम भी यही चीज कहेंगे, थैंक यू एमवीपी। आज से लगभग 12 से 14 साल पहले एमवीपी काफी बढ़िया रेसलर थे, जब दोस्तों जॉन सीना चैंपियन हुआ करते थे, WWE चैंपियन हुआ करते थे, उस वक्त दोस्तों एमवीपी हमें एज ए US चैंपियन देखने को मिलते थे स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो WWE को छोड़ गए। खैर दोस्तों जो हुआ सो हुआ, एमवीपी ने हमें काफी बढ़िया मैचेस दिए और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन अब हम चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है राउडी रोंडा राउजी से। तो रोंडा राउजी के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल किए जाते हैं कि आखिरकार रोंडा है तो है कहाँ और कब लौटने वाली है। तो इस साल की शुरुआत में दोस्तों रोंडा ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। रोंडा राउजी दिखाई दी आफ्टर द बेल शो में, जो कि कोरी ग्रेव्स का पॉडकास्ट है, हमारे रॉ कमेंटेटर का पॉडकास्ट है। इसमें दोस्तों कोरी ग्रेव्स ने सवाल ये पूछा था कि आपका रिटर्न कब होगा। इस पर दोस्तों रोंडा ने क्या जवाब दिया कि वो जल्द अपना रिटर्न करेगी और उनका मन भी है रिटर्न का, लेकिन उनका सबसे ज्यादा मन यही रहता है कि वो किसी लाइव इवेंट के अंदर अपना रिटर्न करे। यहाँ रोंडा ये चीज बोली कि उन्हें किसी भी शो से ज्यादा, किसी भी PPV से ज्यादा लाइव इवेंट ज्यादा पसंद आते हैं, और उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके अंदर उन्हें मेकअप नहीं करना पड़ता, वो सीधा जाकर वहां रेसल कर सकती है और शोज के अंदर उन्हें मेकअप करना पड़ता है। वहीं दोस्तों आगे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये चीज भी कही है कि जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन वो अपना रिटर्न कर देगी। तो साफ होता है कि रोंडा राउजी रिटर्न के लिए तैयार है, और जिस दिन दोस्तों उनका मूड करेगा और जिस दिन WWE उन्हें बुक करेगी उस दिन हमें वो देखने को मिल जाएगी। खैर दोस्तों दिन का बात है, वो तो समय बताएगा। बात की जाए इस पॉडकास्ट के एक और इंटरेस्टिंग सवाल की, तो वो सवाल जुड़ा हुआ था रोंडा से ये
की जब आप रिटर्न करेगी तो आप किसे फेस करना चाहिए, कौन आपका ड्रीम ओपोनेंट रहेगा। तो रोंडा बोली कि वो फेस करना चाहेगी रिया रिपली को। रिया रिपली दोस्तों एनएक्सटी वुमन चैंपियन है और आप जानते हो कितनी डोमिनेट कर रही है, तो ऐसे में दोस्तों रोंडा भी उन्हें फेस करना चाहेगी। रोंडा ने तर्क ये दिया है कि रिया रिपली के मूव सेट्स उन्हें काफी ज्यादा पसंद आते हैं, वो काफी यूनिक है और उनके साथ उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा जमेगी। अब दोस्तों रिया रिपली एक ऐसी रेसलर बन चुकी है जिनसे हर कोई फाइट करना चाहता है, तो रिया रिपली को कुडोस है। और अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन न्यूज के ऊपर। तो गाइस मेन खबर तो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस लड़ना चाहते हैं जॉन सेना से। तो आप जानते हैं इस साल में दोस्तों हमें सीना की एक भी अपीयरेंस देखने को नहीं मिली है, लेकिन भारतीय एंकर गेलिन ने उनसे सवाल जॉन सेना के ऊपर ही पूछ लिया। गेलिन का सवाल यह था कि जॉन सेना वर्सेस रोमन रेंस फैंस देखना चाहते हैं, कि आप उनके साथ फिर से काम करना पसंद करेंगे कि नहीं। इस पर दोस्तों रोमन रेंस थोड़े से मुस्कुराए और बोले कि जॉन सेना के साथ काम करना कौन पसंद नहीं करता, वो काफी बढ़िया रेसलर है। जॉन सेना की बात की जाए तो उनसे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला और कोई मूर्ख ही होगा जो उनसे कुछ नहीं सीखेगा। जॉन सेना एक लेजेंड है और हाल ही में हॉलीवुड में काम कर रहे हैं जिसके अंदर वो काफी नाम भी कमा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा बधाई है। लेकिन बात की जाए उनसे फाइट की, तो जिस दिन जॉन सेना फाइट को तैयार होंगे मेरे साथ, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो साफ सी बात है गाइज कि जॉन सेना वर्सेस रोमन रेंस बीज बो दिया गया है, लेकिन कब हमें देखने को मिलता है और क्या देखने को नहीं मिलता है ये सवाल रहने वाला है, क्योंकि जॉन सेना का दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आने वाला है। तो देखते हैं वो मूवी कैसा जाता है और उसके बाद जॉन सेना कैसा अपना रिटर्न करते हैं, क्योंकि वो भी रेसलमेनिया के लिए रूमर्ड है। पर गाइस आज की वीडियो इतनी थी, सवाल ये रहेगा कि जॉन सेना वर्सेस रोमन रेंस बनता है तो उसके अंदर आपका सपोर्ट किसे रहेगा, कमेंट करके उस रेसलर का नाम मुझे जरूर बताइएगा। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।